नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर संदीप सरकार जी के खजाना भूल न जाना आना। ये टॉपिक होगा हमारा आज बुक्स एंड राइटर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये क्लास जो है सभी एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ जहाँ GK आता है वहाँ वहाँ इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पर डे मैं एक क्लास अपलोड करता हूँ इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेखक और पुस्तकें, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स, महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तकें। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। संदीप सरकार जी के खजाना भूल ना जाना आना, पर डे एक क्लास होती है, क्लास को आप लीजिए। इस क्लास से 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी, जिससे आपको हर एक एग्जामिनेशन में 8 से 10 क्वेश्चन इस क्लास से मिलने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस क्लास को पर डे देखते हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चंस तो हर एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देखते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिव मिलता है और उतना ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, इम्पोर्टेंट लेखक और पुस्तकें, बुक्स एंड राइटर्स। तो संदीप सर का GK खजाना भूल ना जाना आना डेली क्लास होती है, डेली क्लास आप लीजिए और अपने एग्ज़ाम को निकालिए। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वापस दोबारा से बोल दिया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने राइटर्स और पुस्तकों के नाम से। चलिए तो कमेंट्स एंड एडवाइस आर आल्सो इनवाइटेड, आप कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा और मोटिवेशनल कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ पोस्ट योर मोटिवेशनल कमेंट्स। आप शायरी लिख दीजिए एक टाइप से, जो मोटिव करती हो एक दूसरे, अपने थॉट्स लिखिए, उनको भी आप लिख सकते हैं। और आपकी जो एडवाइस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, लाइक कीजिएगा वीडियो को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एंशियंट लिटरेचर्स, प्राचीन साहित्य, जो प्राचीन साहित्य है उसके बारे में, जो लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं उनके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको बता दूँ, इस वीडियो के अंदर हम तमाम बातों को करेंगे, जैसे पुस्तकें और लेखक भी कराएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, टू डेजर्ट ऑफ द डे, ये तमाम चीज़ें होंगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने एक दिन वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप डेली वीडियोस को देखेंगे, पर डे आप वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है। आप एक दिन पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इधर लिखा होगा ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट और इधर लिखे होंगे राइटर। ये जो प्राचीन सभ्यता के राइटर्स हैं उनसे, उनकी हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। फर्स्ट है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत को तो आप जानते ही होंगे, पांडव और कौरवों की जो लड़ाई है वो तो आपने देखी ही होगी। अर्जुन के बारे में सुना होगा, भीम के बारे में सुना होगा, युधिष्ठिर के बारे में सुना होगा, ये सब कहाँ हैं? महाभारत के ये एक पार्ट हैं, करेक्टर्स हैं। तो ये महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। किसने? वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे बोल सकते हो, जिन्होंने को चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने शासक बनाया वो कौन थे? चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखी थी? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत इसके लेखक कौन है? ब्रह्मागुप्त। कौन है? ब्रह्मागुप्त। जो बातें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ब्रह्म सिद्धांत किसकी है? ब्रह्मागुप्त। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपनी, कल की वीडियो बड़ी हो गई थी लेकिन आज से छोटे ही करेंगे वीडियो को, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेघदूतम, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछने को आ चुका है। तो मेघदूतम है कालिदास की, कालिदास के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जिस डाली पर बैठे थे उसी को इन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया था और ये गिर गए थे, तो वही कालिदास जी हैं। मेघदूतम तो किसकी है? कालिदास। नेक्स्ट है नागानंद, नागानंद तो इसके लेखक कौन है?
हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है रत्नावली, रत्नावली के लेखक भी कौन है? हर्षवर्धन। यानी कि नागानंद और रत्नावली दोनों के ही लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है काव्यादर्श, काव्यादर्श तो काव्यादर्श के लेखक कौन है? दंडी। कौन है? दंडी। काव्यादर्श को किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। नेक्स्ट है बृहत संहिता, बृहत संहिता तो इसके लेखक कौन है? बाराहमिहिर, बाराहमिहिर। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बाराहमिहिर। और मालती माघव के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव के, माघव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेघदूतम, कालिदास, नागानंद, हर्षवर्धन, रत्नावली, हर्षवर्धन, काव्यादर्श, दंडी, बृहत संहिता, बाराहमिहिर और मालती माघव, भवभूति। नेक्स्ट ये राइटर्स हैं। और नेक्स्ट है हर्षचरित, हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत तो सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुनाई होगा, महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। और जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने ही की थी। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? जीरो की खोज की थी। तो सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। अच्छा आप इसे याद कैसे याद करेंगे? जैसे क्रिकेटर एक जयदेव उनादकट हैं, कैसे याद करेंगे वो देखिए। जयदेव उनादकट, तो जयदेव उनादकट जब कोई भी विकेट ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? गोविंद के गीत गाते हैं, यानी कन्हैया के गीत गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? गोविंद। तो जयदेव उनादकट जब भी विकेट लेते हैं तो गीत गाते हैं गोविंद का, भगवान को धन्यवाद कहते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध तो इसके लेखक कौन है? माघ। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? माघ। नेक्स्ट है हमीर काव्य, हमीर काव्य इसके लेखक कौन है? जयचंद्र। कौन है? जयचंद्र। हमीर काव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हर्षचरित, बाणभट्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, गीत गोविंद, जयदेव, शिशुपाल वध, माघ, हमीर काव्य, जयचंद्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों राजत रंगिणी, राजत रंगिणी तो इसके लेखक कौन है? कल्हण। राजत रंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। बहुत पूछा गया है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, हालांकि थोड़ी अच्छी नहीं थी वो, पर थी जैसी भी। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। और ऐसा ही कुछ उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखाया भी है। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। नेक्स्ट है मीताक्षरा, मीताक्षरा तो इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर को किसके लेखक हैं? मीताक्षरा के लेखक हैं। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तो इसके लेखक कौन है? भरत मुनि, भरत मुनि। भरत मुनि किसके लेखक हैं? नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट है भोज प्रबंध, भोज प्रबंध तो इसके लेखक कौन है? बल्लाल। भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बल्लाल। एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, राजत रंगिणी, कलण, कामसूत्र, वात्स्यायन, मीताक्षरा, विज्ञानेश्वर, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि और भोज प्रबंध, बल्लाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों चारुदत्तम, तो चारुदत्तम के लेखक हैं भास, भास। चारुदत्तम के लेखक कौन है? भास। चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। नागसेन के बारे में तो आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं स्पेशल वीडियोस ला दूंगा इसके ऊपर। तो मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? नागसेन। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा इसके लेखक कौन है? राजशेखर अमर सिंह। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर अमर सिंह। चारुदत्तम, भास, चरक संहिता, चरक, मिलिंद पन्हो, नागसेन, काव्य मीमांसा, राजशेखर अमर सिंह। नेक्स्ट रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। महाभाष्य ये बहुत पूछा जाता है, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस,
मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त। मोस्ट मोस्ट सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है बुद्ध चरित बुद्धिस्ट के लेखक कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है ऋतु संहारम इसके लेखक कौन है? कालिदास। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, रामायण वाल्मीकि, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बुद्ध चरित अश्वघोष, ऋतु संहार कालिदास। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रिय दर्शिका तो इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन। प्रिय दर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है लीलावती, लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। नेक्स्ट है कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट है भर्तृहरि शास्त्र, भर्तृहरि के शास्त्र के कौन है? भर्तृहरि हैं खुद। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, लीलावती भास्कराचार्य, कादम्बरी बाणभट्ट, भर्तृहरि शास्त्र भर्तृहरि, और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरसेण। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरसेण। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। नेक्स्ट है बासव दत्ता के सुबंधु, बासव दत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु। नेक्स्ट है इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। इंडिका के लेखक कौन है? मेघस्तनीज। मेघस्तनीज इंडिका के लेखक कौन है? मेघस्तनीज। और हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण भट्ट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रयाग प्रशस्ति हरसेन, कथा सरित सागर सोमदेव, बासव दत्त दत्ता सुबंधु, इंडिका मेघस्तनीज और हितोपदेश नारायण भट्ट। जो मेघस्तनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? राजदूत था। और वो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर कौन था? हेलेना का भाई था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक। कोकशास्त्र के लेखक हैं कोंका पंडित, तो कोक से कोंका बन गया, आप याद कर सकते हैं। कोकशास्त्र का लेखक कौन है? कोंका पंडित। नेक्स्ट है रस रत्नाकर तो इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। और गणित सार का लेखक लेखक हैं श्रीधर। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मृच्छकटिकम, शूद्रक, कोकशास्त्र, कोंका पंडित, रस रत्नाकर, नागार्जुन, गणित सार, श्रीधर। नेक्स्ट नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत संहिता के लेखक हैं सुश्रुत। और कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? सुश्रुत। और कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त। सौंदर्यानंद काव्य के लेखक कौन है? अश्वघोष। सौंदर्यानंद काव्य के लेखक अश्वघोष। सतस हस्रिका सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्तम, सौंदर्यनंदम काव्यम, और अश्वघोष, सतस हस्रिका सूत्र के लेखक नागार्जुन, और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। नेक्स्ट नेक्स्ट है कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास। और मालविका अग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक भी कौन है? कालिदास। और माध्यमिका सूत्र के लेखक हैं नागार्जुन। और विक्रमोर्वशीयम के लेखक हैं कालिदास। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुमार संभवम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, माध्यमिका सूत्र नागार्जुन, और विक्रमोर्वशीयम कालिदास। अब नाम ही ऐसे हैं इनके। चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट है सिद्धांतम शिरोमणि भास्कराचार्य की लेखक हैं। किसने लिखा है सिद्धांतम शिरोमणि? भास्कराचार्य ने लिखा है। सिद्धांतम शिरोमणि किसने लिखा है? भास्कराचार्य। नेक्स्ट है दस कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। दस कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं बराह मिहिर। कौन है? बराह मिहिर। और उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति, माफ कीजिए,
थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य। दस कुमार चरितम के लेखक दंडी। पंच सिद्धांतिका के लेखक बराह मेहर। और उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की बात है, कौन से राष्ट्र ने पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से राष्ट्र पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? विच ऑफ द नेशन आर कनेक्टेड विद पाक स्ट्रेट? ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड चाइना, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। किससे जुड़े हैं? पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं, पाक स्टेट से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? तो कौन सा नहीं करता? आसाम नहीं करता। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर्स विद हाउ मैनी कंट्रीज? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, यानी कि 3 देशों के साथ। तो 3 देश कौन कौन से हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का सही युग्म और उसकी राजधानी है? तो नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? बी, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनों का देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो आप अपना आंसर, इसका आंसर है त्रिपुरा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड? अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान और नॉर्थन अंडमान। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है गुल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी, सर क्रिक, गुल्फ ऑफ खम्बात यानी खम्बात की खाड़ी, माउथ ऑफ इंडस यानी कि साउथ का मुंह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सर क्रिक, सर क्रिक। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। अपना आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 17वीं समांतर रेखा और दुरंत लाइन। आप इसका भी आंसर लिखिएगा। अब आते हैं डेजर्ट ऑफ द डे। आज का जो दिन है हमारा, वो है 1947 लिया है। 1947 की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ही, 24 इटलीज अनाउंसमेंट ऑन 20 फरवरी 1947, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, यानी कि 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि वह कुछ ही महीनों में भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, ये लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को शुरू की गई। अब इम्पोर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 1600 में सूरत के तट पर पहुंचा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 1600 में सूरत के तट पर पहुंचा। हेक्टर द फर्स्ट फर्स्ट शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रीच्ड द कोस्ट ऑफ सूरत इन 16। नेक्स्ट, थॉमस एडिसन ने 1891 क्राइनोटोग्राफिक कैमरा और क्राइनोटोस्कोप के लिए पेंटेट आवेदन दाखिल की कराया। यह तकनीकी आगे चलकर चलचित्र में तब्दील हुई। ये थॉमस अल्वा एडिसन हैं जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट है, बीबी गिरी 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी बिकेम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 24 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974। बॉर्न, ये इनका जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1894 में हुआ था, ब्रह्मापुर में हुआ था। डाइड, निधन कब हुआ था, 24 जून 1980 चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म 1908 को हुआ था, फ्रीडम फाइटर राजगुरु वॉज बॉर्न ऑन 1908 बॉर्न 24 अगस्त 1908 को। और खेड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। डाइड, निधन कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को, एज 20, यानी कि 22 वर्ष उम्र की में इन्होंने फांसी पर झूल गए थे। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, जो आपने नाम सुने हैं। अच्छा जी, आगे लाहौर पंजाब ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पंजाब पाकिस्तान, ये इनने दे रखा है। नेक्स्ट है, फ़रकुद्दीन अली अहमद बिकेम द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1974। फ़रकुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने, यानी कि जो 4थे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, अभी मैंने आपको बताया कौन थे, बीबी गिरी, जो 1969 में बने थे, फिर 1974 में बने थे फ़रकुद्दीन अली अहमद। और इनका जन्म हुआ था 1905 को दिल्ली में, इनका निधन हुआ था फरवरी 1977 न्यू दिल्ली में ही हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1974 टू 1977। नेक्स्ट है, 1690 में जॉब चार्नाक ने कलकत्ता, अब कोलकाता शहर की आधारशिला रखी। तो कोलकाता शहर की आधारशिला किसने रखी, 1690 ईस्वी में जॉब चार्नाक ने कलकत्ता शहर की आधारशिला रखी। अच्छा जी, इनका जन्म कब हुआ था, 1630 लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। निधन हुआ था इनका 10 जनवरी 1693 और कोलकाता में इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि डेली इसी प्रकार से हम वीडियोस लाते रहते हैं, पर डे वीडियो आपके लिए आती रहती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके लिए आती रहे वीडियोस। और ये वो क्लास है जो कि हर एक एग्जामिनेशन में 8 से 10 क्वेश्चंस देती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ, जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतनी ही अधिक मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कहने का मतलब वही है मेरा, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जितना अधिक आप शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स में शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार से। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।